रिवर एक लंबे चले आ रहे डिस्प्यूट का कारण बन गई है बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर बांग्लादेश। 2011 में ये डिस्प्यूट सॉल्व होने वाला था बट ममता बनर्जी ने होने नहीं दिया। लेकिन क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल, होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वेन है, आप देख रहे हैं स्वेन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के तीस्ता वाटर डिस्प्यूट के हवाले से। ये डिस्प्यूट बांग्लादेश की जानिब से बहुत ज़्यादा रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। लाइक जब शेख हसीना लास्ट टाइम इंडिया का विजिट करने गई तो वहाँ पर ममता बनर्जी से भी मुलाकात उनकी नहीं हो सकी, जिसके बाद ये डिस्प्यूट जो है हल होता हुआ नज़र नहीं आया। जिसके बाद बांग्लादेश ने जो तीस्ता रिवर पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, चाइना की जानिब से इसको स्टार्ट करना था, उसको डन कर दिया और फाइनली वो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होने वाला है। वेल अब यहाँ पे जो है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। तीस्ता वाटर की वजह से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात पहले थे अब वो नज़र नहीं आते। वेल इसी चीज़ के हवाले से अब इंडियन मीडिया की जानिब से बात की जा रही है कि आखिर कसूरवार कौन, ये मसला, ये जो वाटर डिस्प्यूट है ये किसकी वजह से हल नहीं हो सका। यहाँ पे ममता बनर्जी को फुली ब्लेम किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की बिहेवियर की वजह से ये डिस्प्यूट हल नहीं हो सका और बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान डिफरेंसेस जो हैं इंक्रीज हो गए हैं, जिसके बाद चाइना जो है अपना प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ स्टार्ट कर रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश अपने इस वाटर के इशू को रिजॉल्व हल करने में कामयाब हो जाएगा। वेल अभी यहाँ पर इंडियन मीडिया जो है काफ़ी सच्ची और खरी बातें करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी रिपोर्ट में आप लोग से देखूंगी, रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देख ली है। वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आप लोग को लास्ट नोटिफिकेशन मिले, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ये एक लंबी इंपॉर्टेंट रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं। 24 मिलियन ओलंपिक स्विमिंग पूल से भी ज्यादा पानी है इसमें, बहुत बड़ा बेसिन है इसका, इतना कि 3 गोवा यहाँ फिट हो सकते हैं। 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसके आसपास रहते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट रिवर एक लंबे चले आ रहे डिस्प्यूट का कारण बन गई है बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर बांग्लादेश। 2011 में ये डिस्प्यूट सॉल्व होने वाला था बट ममता बनर्जी ने होने नहीं दिया। लेकिन क्यों? इसको समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कि इशू है क्या, दूसरा कि ये रिवर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यों इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना इंडिया के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले इशू को समझते हैं। यह तीस्ता रिवर, इंडिया ऊपर है बांग्लादेश नीचे। अब इंडिया ने तीस्ता पर बहुत से डैम्स बना रखे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश तक इनफ पानी नहीं पहुंच पाता है, स्पेशली लेस बारिश के टाइम, तब बांग्लादेश में तीस्ता का पानी 1/5 हो जाता है। इसकी वजह से बांग्लादेश के फार्मर्स और फिशरमैन की लाइफ पर मेजर इम्पैक्ट पड़ता है और रेनी सीजन में अलग प्रॉब्लम होती है। तब इंडिया अपने डैम से रिवर का ज्यादा पानी छोड़ देती है तो बांग्लादेश में फ्लड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से मैसिव डैमेज होता है। ये बन गई एक बड़ी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने के लिए एक अग्रीमेंट लिखा गया। इस अग्रीमेंट में पानी कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ, 42% टू इंडिया एंड 37% टू बांग्लादेश। बट बांग्लादेश रिफ्यूज्ड, उसने पानी का 50-50 स्प्लिट डिमांड किया। बात यही रुक गई अंटिल 2011। यहाँ स्टोरी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस साल एक और अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया गया जिसे साइन करने के लिए तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जाने वाले थे बांग्लादेश। बट एकदम लास्ट मोमेंट पे आके ममता बनर्जी ने डील को आगे बढ़ाने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि अग्रीमेंट झूठा है क्योंकि बंगाल को जितना पानी देना पड़ेगा आफ्टर द अग्रीमेंट वो डिसाइडेड अमाउंट से बहुत ज्यादा है और इतना पानी बंगाल दे ही नहीं सकता क्योंकि वहां के फार्मर्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब वाटर एक स्टेट इशू है, स्पेशली इस सिचुएशन में तो स्टेट का ओपिनियन बहुत मैटर करता था, इसलिए ममता बनर्जी की बात मानी गई। ऊपर से ममता बनर्जी की पार्टी तब की यूपीए गवर्नमेंट की एक बड़ी सपोर्टर थी तो डील कैंसिल हो गई। अभी तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है ना ही ये इशू रिजॉल्व हुआ है। ये मैटर इसलिए इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि ये रिवर दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंस को समझने के लिए चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। ये रिवर 1.2 लाख हेक्टेयर लैंड इरिगेट करती है बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में। इन डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट के कुछ सबसे ज्यादा पुअर एरियाज हैं। अगर बंगाल में आने वाला पानी कम होता है तो यहाँ के एग्रीकल्चर को और प्रॉफिटेबल टी इंडस्ट्री को मैसिव इफेक्ट होगा। और ऑलरेडी यहाँ वाटर की बहुत शॉर्टेज है क्योंकि इस रिवर पर बहुत से डैम्स बन चुके हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से वो ग्लेशियर्स ही कम हो गए हैं जहाँ
से इस रिवर में पानी आता था। और हाँ, बांग्लादेश के लिए भी तीस्ता उतना ही इम्पोर्टेंट है। 9.5 मिलियन बांग्लादेशी सिटीजन की लाइफ इस पर डिपेंड करती है डायरेक्टली, 21 मिलियन की इनडायरेक्टली। ये रिवर स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट है एक रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ राइस के साथ साथ कई सारे और क्रॉप्स उगाए जाते हैं। बांग्लादेश की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये रीजन इज वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजंस ऑफ बांग्लादेश, जहां मोर देन 50% लोग पॉवर्टी में रहते हैं और यहां फ्रीक्वेंट ड्राउट्स और फ्लड्स होते हैं। बांग्लादेश बिलीव्स कि इस रीजन को अपलिफ्ट करने के लिए तीस्ता का कंटिन्यूसली पानी आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लियरली इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए ही ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इशू जल्द से जल्द सॉल्व होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ओवरऑल बेनिफिट, फोर रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्ट। इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के पोर्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बेस्ट एक्सेस पॉइंट्स है सी ट्रेड के लिए। शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश ने कई ऐसे ट्रांजिट पॉइंट्स खोले हैं इंडो बांग्लादेशी बॉर्डर में। उन्होंने इंडियन गुड्स को बांग्लादेशी टेरिटरी से होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने की क्लियरेंस भी दी है। इंडियन शिप्स को चिटागोंग पोर्ट यूज करने की अलाउंस भी दी है। इसको कंटिन्यू करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप अच्छी रहे। सेकंड, इंक्रीज बॉर्डर सिक्योरिटी। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी तो हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस काफी अच्छे हैं, स्पेशली शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के साथ। पर बांग्लादेश की दूसरी पार्टी बीएनपी इज प्रो पाकिस्तान एंड चाइना और इंडिया के खिलाफ है। 2001 से 2006 तक जब बीएनपी पार्टी पावर में थी तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज बढ़ गई थी। ऐसा माना जाता है कि बीएनपी ने बांग्लादेश में इंसर्जेंस को शेल्टर दिया था, लेकिन जब शेख हसीना 2009 में पावर में आई तो उन्होंने सारे इंसर्जेंस को इंडिया के हवाले कर दिया था। हमारे सिक्योरिटी रीजंस के लिए शेख हसीना का पावर में रहना इज इम्पोर्टेंट, बट बार बार तीसरा इशू को सॉल्व ना करने के लिए बांग्लादेशी सिटीजंस अपसेट हो जाते हैं और शेख हसीना जी की कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जल्द से जल्द इस इशू को म्यूचुअली सॉल्व कर दें। अब आती है साउथ एशियन यूनिटी की बात। साउथ एशिया में बांग्लादेश हमारा एक इम्पोर्टेंट और डिपेंडेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करता है। बांग्लादेश के पोर्ट से हम ईस्ट एशिया में कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट साउथ एशियन नेशंस में बांग्लादेश हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों के बीच $18 बिलियन से भी ज्यादा का सालाना बायलैटरल ट्रेड है। साउथ एशिया में यूनिटी कायम रखने के लिए भी इट्स इम्पोर्टेंट कि तीस्ता का इशू जल्द से जल्द सॉल्व हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, चाइना का साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस कम करना, जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहे। 2020 में बांग्लादेश ने चाइना के साथ डिस्कस करना शुरू किया और $1 बिलियन लोन तीस्ता बेसिन के वाटर क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। दोनों नेशंस ने जॉइंट स्टडीज भी की, बट इंडिया के ऑब्जेक्शन की वजह से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा गया। तीस्ता में चाइना का इन्वॉल्व होना इज वेरी डेंजरस फॉर इंडिया, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत पास आ जाएगा, जिससे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन में, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट ब्राइट, क्योंकि सितंबर 2022 में शेख हसीना इंडिया आई, तब दोनों कंट्रीज ने 7 अग्रीमेंट साइन किए, इंक्लूडिंग द कोशियारा रिवर पैक्ट, विच इज अ ह्यूज डील, बिकॉज 25 सालों में पहली बार दोनों नेशंस के बीच कोई वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन हुआ है। शेख हसीना ने यह भी बोला कि शी इज होपफुल कि तीस्ता का डिस्प्यूट भी जल्द ही रिजॉल्व होगा। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ दो नेशंस की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं होता है, इट्स अबाउट द पीपल जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, जिनकी लाइफ सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है इन डिस्प्यूट्स को लेकर। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके लिए अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। आप लोगों ने देखी है, इंडियन मीडिया की जानिब से बाकायदा अब इस चीज को एडमिट किया जा रहा है कि ये जो मसला सॉल्व नहीं हो रहा, इसमें इंडिया की जान, ये मसला ना हल होने की वजह इंडिया की ही कुताई है, इंडिया को ही इस इशू को रिजॉल्व करना है। अब इसमें ममता बनर्जी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा दोष दिया जा रहा है कि जी चूँकि उन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं किया, 50-50% की जो पार्टनरशिप है उसको लेके बिल्कुल उन्होंने इस पे एग्री नहीं किया, जिसके बाद से ये मसला जो है रिजॉल्व होने की तरफ नहीं आ रहा। यहाँ पर जो कि जो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को देखें, बायलेटरल देखें, वाटर कनेक्शंस को देखें, तो इस हिसाब से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में ये जो तीस्ता का इशू है इसका रिजॉल्व होना
होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे मैंने कहा और जैसे इन्होंने कहा कि चाइना जो कि यहाँ पे काम करने जा रहा है, तो इसकी वजह से इंडिया की क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं वो भी आप लोगों को पता चल गई होंगी। इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, अगर चाइना इधर आके प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर देता है तो उनकी जो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। बल्कि इस पर ऑलरेडी दबाव भी डाला जा रहा है बांग्लादेश पर कि जो प्रोजेक्ट इसके हवाले से हो रहा है इसको ना किया जाए, लेकिन बांग्लादेश ने अब बिना किसी दबाव के हर चीज़ को एक साइड पर रखते हुए, इंडिया के दबाव को पूरी तरह एक साइड पर रखते हुए, अब तीस्ता के मसले को हल्व करने के लिए, तीस्ता के इर्द गिर्द के जो लोगों की ज़िंदगी है उसको आसान करने के लिए चाइना के साथ जो ये माहिदा है उसको डन कर दिया। बहुत जल्द ये कम्प्लीट होगा इंशाल्लाह। कोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप लोग, जो भी कहना चाहते हैं बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो क्लिक करूँ आप लोग को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब इसी गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।